ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। आदरणीय और कांग्रेस का हर कामकाज राजनीति और चुनाव और सरकार के आसपास ही घूमता रहता है। जहां ज्यादा सीटें मिलती हो राजनीति की अपनी खिचड़ी पकती है तो वहां तो मजबूरन सही कुछ कर लेते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में देश सुन रहा है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी उसके प्रति सौतेला व्यवहार ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है। पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओत प्रोत मणिपुर भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किस थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे तब मणिपुर में सरकार किसकी थी?
जब अभिमान एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर में जो सरकार है वो पिछले 6 साल से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश, समर्पित भाव से कोशिश कर रही है। बंद और ब्लॉकेड का जमाना कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था, वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है। शांति स्थापना के लिए हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे उतनी शांति निकट आएगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट आज भले हमें दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से आसियान देशों में का महत्व बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा हमारे ईस्ट की इस प्रगति के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वैश्विक दृष्टि से सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं और इसलिए मैं पूरी ताकत से आज नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए कर रहा हूं, वोट के लिए नहीं कर रहा हूं जी। मुझे मालूम है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई संरचना किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री के अंदर प्रभाव पैदा करने वाली, और तब नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व बढ़ने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट की जाहो जलाली गौरव गान फिर से कैसे शुरू होने वाला है, वो मैं देख सकता हूं। और इसलिए मैं लगा हूं।